हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वीडियो सभी का वेलकम है। और आज के दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुल्तानी कंपनी के नोकी प्लस कैप्सूल से रिलेटेड। इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी एमआरपी है, किस टाइप की प्रॉब्लम है ये कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, और क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, कब तक आपको ये यूज़ करना है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं ये जो मुल्तानी कंपनी की नोकी प्लस कैप्सूल्स किस लिए यूज़ की जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, इसे आप जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल्स हैं स्पेशली मेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, पुरुषों की ये दवाई है। और जैसे कि अगर पेशेंट की बॉडी में स्टेमिन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और देखा जाए तो एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, पेशेंट की बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो उसमें ये ले सकते हैं। जो कि ये एक जनरल वीकनेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, अगर पेशेंट को जनरल वीकनेस रहती है, या फिर पेशेंट को एक लेथार्जरी के अगर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उसमें भी ये यूज़ की जा सकती है। और ये देखा जाए तो पेशेंट के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती है, अगर पेशेंट की जो प्रतिरोधक शक्ति है अगर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें भी ये यूज़ की जा सकती है। और ये देखा जाए तो पेशेंट का एक यौन समस्याओं में भी यूज़ की जा सकती है, जैसे कि रेकमेंड यौन प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर ये कैप्सूल्स, ये जो मेडिसिन है ली जाती है, और जो कि मेंस के लिए बहुत ही अच्छी है दवा है जो कि मुल्तानी कंपनी की है। और अगर इसके हम एमआरपी की बात करें तो दोस्तों किस एमआरपी में अवेलेबल मिलेगी आपको, तो ये आपको मिलेगी दोस्तों 500 के ऑलमोस्ट, जो कि आपको 500 रुपये की मिलेगी। और इसमें दोस्तों देखा जाए तो 16 कैप्सूल्स आते हैं, जो कि 60 कैप्सूल्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। गाइस अगर इस मेडिसिन में हम कॉम्प्रेशन की बात करें, किस टाइप के इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो जायफल डाले गए हैं, जावित्री डाले गए हैं, और जैसे कि इसमें गोखरू है, कोच बीज है, अश्वगंधा है, और जैसे कि इसमें वेदारी खंड डाले गए हैं। और मैं बात करूँ तो और भी इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। और जो कि ये जो कैप्सूल से मेडिसिन है, ये देखा जाए तो आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है, अगर आपकी जो मेमोरी है काफ़ी ज़्यादा वीक है तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों इसे कैसे लिया जा सकता है जिन पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए दोस्तों क्या करें, आपको ये 1 ग्लास मिल्क से लेना है, और विदाउट शुगर आपको ये मिल्क लेना है, जो कि आपको लेना है रात में। और इसको आप जो है सोने के टाइम पे ले सकते हैं, और एक बार आप मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं, जो कि आफ्टर मेल भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके 1 से 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, जो कि पुरुषों के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। और ये जो मेडिसिन है कितने महीने तक यूज़ की जा सकती है, और कितने महीने में दोस्तों ये रिजल्ट देती है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट को कब से हो रही है। अगर उसको बीमारी 3 मंथ से है, 6 मंथ से है, या फिर काफ़ी लंबे समय से है, तो इसको थोड़ा बराबर दें और बराबर इसको आप इस्तेमाल करें, तभी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छी कंपनी का ये दोस्तों ये मैं बात करूँ मेडिसिन है। सो गाइज, मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।